कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी, तो इन सबसे कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, थोड़ा इतनी इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है, तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है, रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ही आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है।